नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोज जायसवाल, आप देख रहे हो टेक्निकल आरजेएम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल का हैंगिंग प्रॉब्लम बंद कर सकते हो। इसके लिए आना पड़ेगा सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद आपको आ जाना होगा फ़ोन अबाउट में। जैसे मैं आ गया, अब यहाँ पर ओपन करना सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक करना होगा। ये रहा सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, आप देख लीजिए। और फिर आप बिल्डअप नंबर पर आपको 5-6 बार क्लिक करना होगा, 7 बार, तो एक नया फंक्शन आपका ओपन हो जाएगा। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद लॉक का ऑप्शन आएगा, तो लॉक खोल लेना है। और लॉक खोलने के बाद आपको बैक जाना है। बैक आने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन ओपन मिलेगा, नीचे फ़ोन अबाउट के जस्ट नीचे आप देख रहे हो मेरे मोबाइल में ओपन हो चुका है। तो इसको क्लिक करना है, क्लिक करके स्लाइड करके आपको नीचे आना है। नीचे तीन ऑप्शन मिलेगा, तीनों ऑप्शन को आपको ऑफ करना है, तो आपके मोबाइल में हैंग करने वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं स्लाइड कर रहा हूँ, स्लाइड करके नीचे आ जाता हूँ, और नीचे आने के बाद यहाँ पे हमको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, विंडो एनिमेशन स्केल एंड ट्रांजेक्शन एनिमेशन स्केल, और तीसरा है, चलिए इसको ऑफ़ कर लेता हूँ फ़िलहाल, यहाँ पे 1.x पे है तो इसको मैंने ऑफ़ कर लिया। दूसरा आ जाते हैं ट्रांजेक्शन एनिमेशन स्केल, इसको भी ऑफ़ कर लेते, दो नंबर वाले को भी। तो चलिए हम दो नंबर पर इसको क्लिक करके इसको भी ऑफ़ कर लेते हैं। सबसे पहला वाला इसको भी ऑफ़ कर लिए। तीसरा नंबर का आ जाता है एनिमेशन डायरेक्शन स्केल, इसको भी हमको क्या करना है, ऑफ़ कर लेना है। तो चलिए मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ तीसरे नंबर वाला में, और इसको भी क्या कर लेते हैं, ऑफ़ कर लेते हैं। तो तीनों अगर आप ऑफ़ कर लेते हो, उसके बाद आपको बैक आ जाना है। तीसरा भी मैं ऑफ़ कर लेता हूँ, ऑफ़ हो गया, और फिर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद इसमें एक ऑप्शन मिलता है सॉफ्टवेयर अपडेट का, तो आपको आ जाना है मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट का जो ऑप्शन आता है उसमें आ जाना है। बाकी इसमें कोई भी सेटिंग को आपको छेड़ना नहीं है। अभी आ जाते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट में, तो यहाँ पे अगर आपका अपडेट है तो ठीक है, अगर अपडेट नहीं है तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल को पूरी तरीके से अपडेट करना है। अगर वाईफाई का ऑप्शन है आपको दिख रहा है तो वाईफाई बंद कर लेना है, ताकि आप अपने सिम कार्ड से आप अपना मोबाइल अपडेट कर सकते हो। अगर वाईफाई पे क्लिक रहेगा, ऑन रहेगा, तो फिर आप मोबाइल अपडेट नहीं कर सकते हो, सिर्फ वाईफाई से ही अपडेट कर सकते हो, आप अपने मोबाइल से अपडेट नहीं कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।